भारत माता की जय। दोस्तों गदर 2 देखने के बाद पहली बार आया हेमा मालिनी का फिल्म के ऊपर रिएक्शन। बोली फिल्म को लगे हुए अभी तो पहला ही हफ्ता निकला है, आगे आगे देखते हैं इस फिल्म का कलेक्शन कितना होता है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रखा है। ये फिल्म पूरे 22 सालों के बाद बड़े पर्दे पे आई है, जिसके अंदर तारा सिंह और सकीना की जोड़ी पर हर कोई बेसुमार प्यार लुटाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों इस बात का सबूत इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी दे रहा है कि इस फिल्म का कितना धमाल मच रहा है इस फिल्म को देखने के लिए। वहीं दोस्तों अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन पे 40 करोड़ का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया और वहीं दूसरे दिन पे फिल्म ने 45 करोड़ का कलेक्शन किया और तीसरे दिन इसने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था और चौथे दिन इसने 40 करोड़ का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया, जिसके बाद फिल्म का अब तक का अगर कलेक्शन देखा जाए तो इसने 175 करोड़ के करीब में कमा लिया है। वहीं अगर इसके मैं पांचवें दिन के कलेक्शन की बात करूं तो 15 अगस्त के दिन पे थिएटर के अंदर इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है और हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर के अंदर जा रहा है। तो पांचवें दिन का कलेक्शन के लिए आपको एक दिन का इंतजार और करना पड़ेगा और जिस हिसाब से लोग इस फिल्म को प्यार दिखा रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि यह फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही जल्द पार करके और इसी कलेक्शन को देखने के बाद हेमा मालिनी का पहली बार इस फिल्म के ऊपर रिएक्शन आया है। वैसे हेमा मालिनी किसी फिल्म को लेकर ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन इस फिल्म के ऊपर उनका रिएक्शन आया। उनका कहना था कि ये फिल्म के लगे हुए अभी एक ही हफ्ता निकला है और मैंने ये फिल्म देखी है, काफ़ी अच्छी फिल्म है और इसका जो कलेक्शन है वो काफ़ी हाई फाई होने वाला है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये फिल्म और भी ज़्यादा कलेक्शन करे, क्योंकि ये हमारे देश के ऊपर फिल्म बनी हुई है और हमारे इंडिया को ये प्रेजेंट कर रही है ये फिल्म, तो इसलिए ये फिल्म को हर किसी को देखना चाहिए। बाकी दोस्तों इस कलेक्शन को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन आया हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं।